मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवर टुडेज टॉपिक इज माइक्रोबियल जेनेटिक्स। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियल जेनेटिक्स इज आर ऑफ टू टाइप्स, बैक्टीरियल क्रोमोजोम एंड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बैक्टीरियल क्रोमोजोम, इट इज मेनली अ न्यूक्लियोइड विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन रिगार्डेड एज नेक क्रोमोजोम। आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल देखा ही होगा, उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस लाइक, लॉइड मीन्स लाइक न्यूक्लियस की तरह, और वो होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल स्टैंडर्ड मोस्टली सर्कुलर विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। अभी यहाँ पे विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलावा और भी उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। देन विदाउट सेंट्रोमियर सीक्वेंस, विदाउट टिलोमियर इफ सर्कुलर क्रोमोसोम एंड टिलोमियर प्रेजेंट इन लीनियर क्रोमोसोम। मतलब अगर क्रोमोसोम सर्कुलर है तो उसमें टिलोमियर अब्सेंट रहेगा, अगर क्रोमोसोम लीनियर है तो उसमें टिलोमियर प्रेजेंट रहेगा, मोस्टली निगेटिवली सुपर कॉइल्ड, associated with protein like HU, HNS, IHF, SMC, FIS, etc. हम लोगों ने पहले ही देखा है। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि without histone protein, मतलब यहाँ पे और भी प्रोटीन से जो कि HU, HNS, IHF, SMC और FIS कॉन्टेंट वेरी लो लेस प्रोपोर्शन ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंस, नो सुडोजिन प्रेजेंट। अभी यहाँ पे देखो, व्हाट इज सुडोजिन, सुडोजिन का मतलब क्या हुआ। अभी सपोज कोई एक जीन है जो कि हम लोग उसको बोलेंगे कैपिटल ए, और वो नॉर्मल काम कर रहा, और नॉर्मल काम करते वक्त ही उसमें म्यूटेशन फॉर्म होगा, म्यूटेशन फॉर्म होने के बाद वो अपना काम करना छोड़ देगा, जो वहाँ पे काम करना छोड़ देगा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुडोजिन, इसका मतलब हुआ इनएक्टिव नॉर्मल जीन। देन नो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस, ट्रांसपोशंस प्रेजेंट मीन्स जंपिंग जीन इज प्रेजेंट, इंट्रॉन्स वेरी रेयरली प्रेजेंट, लेस प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंस, देन हैविंग पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी यहाँ पे देखो, पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब, अभी हम लोग पहले मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन। अभी मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन, मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन सपोज इसमें एक प्रोमोटर जीन है और एक टर्मिनेटर जीन है, और उस दोनों के बीच है स्ट्रक्चरल जीन, जो कि स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, एमआरएनए बनाने का काम करेगा, और वो एक ही एमआरएनए बनेगा, अगर एक ही एमआरएनए बनेगा तो उससे एक ही प्रोटीन क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये हो गया मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन। अभी पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अभी यहाँ पे एक प्रोमोटर जीन है और एक है टर्मिनेटर, और उन दोनों के बीच है स्ट्रक्चरल जीन, जो कि मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट है। अभी मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स होने के बाद वहाँ पे मेनी एमआरएनए होंगे, और मेनी एमआरएनए होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मेनी प्रोटीन्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल लैक ओपेरा, वो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा ही होगा लैक ओपेरा, उसमें आप लोगों को स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं, क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देन नंबर इज मोस्टली वन, बट इन विब्रियो कॉलेरा मोर देन वन इज प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे देखो कि जो नंबर्स है, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं वो वन ही रहते हैं, लेकिन विब्रियो कॉलेरा इसमें एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट रहते हैं। देन हाई जीन डेंसिटी, हाई काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अभी व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, काइनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द डिफरेंट सीक्वेंस। अभी इसके बाद सेकंड, बैक्टीरियल प्लाज्मिड, इट इज़ अ रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन का क्या मीनिंग है और उसका क्या काम है,
इट इज़ ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी, मतलब रेप्लिकेशन का काम रेप्लिकॉन करेगा, मेड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नेचर मोस्टली सर्कुलर, दे आर निगेटिवली सुपर क्वाइट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, देयर साइज इज 1 kilobase टू 200 kilobase. वन बैक्टीरियल सेल मे बी होमोजेनेटिक, होमो मीन्स सेम, कॉन्टेन सेम काइंड ऑफ प्लाज्मिड, देन हेटरोजेनेटिक, मोर देन वन काइंड ऑफ प्लाज्मिड, मतलब दो डिफरेंट होस्ट रेंज, नैरो होस्ट रेंज और ब्रॉड होस्ट रेंज. अभी नैरो होस्ट रेंज द प्लाज्मिड विच कैन मेंटेन इटसेल्फ इन लो वेराइटीज ऑफ होस्ट, एंड ब्रॉड होस्ट रेंज द प्लाज्मिड विच कैन मेंटेन इटसेल्फ इन अ वाइड वेराइटीज ऑफ होस्ट. मतलब इसमें क्या रहेगा, प्लाज्मिड एक से ज़्यादा रहेंगे. देन रेप्लिकेशन, थीटा रेप्लिकेशन एंड द सिग्मा रेप्लिकेशन. अभी थीटा रेप्लिकेशन क्या है और सिग्मा रेप्लिकेशन क्या है, इसके मीनिंग हम लोग कभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका काम नहीं, सिर्फ हम लोग बेसिक के लिए यहाँ पे वो पढ़ रहे हैं. अभी कॉपी नंबर, मतलब सी एन, हाई कॉपी नंबर एंड द लो कॉपी नंबर. हाई कॉपी नंबर फ्रॉम मतलब 10 के ऊपर अगर हो तो वो होंगे हाई कॉपी नंबर, इज आल्सो कॉल्ड एज रिलैक्स प्लाज्मिड. और लो कॉपी नंबर सपोज 3 के अंदर ही हो तो इज आल्सो कॉल्ड एज रीजेंट प्लाज्मिड. अभी बैक्टीरियल क्रोमोसोम, फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन. द सम टोटल ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड बैक्टीरियल जीनोम, कंप्राइज of a single chromosome that reside in the cytoplasm. The bacterial chromosome can only be visualized through electron microscopy. Unlike eukaryote, there is no nuclear membrane around the chromosome. Hence, it is referred to as nucleide rather than nucleus. Bacterial chromosome is also called as gynopore, that is gene-bearing structure. Gyno means जीन और पोर मीन्स बियरिंग. अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम. अभी बैक्टीरियल क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन, यू विल सी द हाईली कंडेंस्ड और सुपर कॉइल जेनेटिक मटेरियल. दिस इज जेनेटिक मटेरियल, हाईली कंडेंस्ड एंड और सुपर कॉइल. देन अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है सर्कुलर डीएनए, अनफोल्डेड क्रोमोसोम. अभी अनफोल्डेड क्रोमोसोम होने की वजह से यहाँ पे, सॉरी, सर्कुलर होने की वजह से यहाँ पे टिलोमियर इज अब्सेंट. अभी यहाँ पे देखो, नो टिलोमियर, नो सेंट्रोमियर, नो NOR. अभी NOR मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, और CCC डीएनए मतलब कोवेलेंट को सर्कुलर डीएनए, और इसकी साइज है, इसका डायमीटर है 350 μ. और यहाँ पे द थिंग इज दैट कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी, कम्प्लीटली स्प्रेड क्रोमोसोम. देन यहाँ से हम लोग अभी यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे कुछ लूप फॉर्म होंगे. फोल्डेड क्रोमोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज फोल्डेड क्रोमोसोम. और यहाँ पे लूप 40 to 50 लूप्स हो रहेंगे, कभी यहाँ पे 100 भी लूप्स रहेंगे. और लूप्स की, एक लूप्स की डायमीटर है 30 μ. और यहाँ पे लूप्स फॉर्म होने के बाद यहाँ पे टैग करने के लिए आपको यहाँ पे देख रहा, इसको टैग करने का काम कर रहा आरएनए. देन इसके बाद यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर में कुछ सुपर कॉइल फोल्डेड क्रोमोसोम फॉर्म हुए, और जो सुपर कॉइल फोल्डेड यहाँ पे क्रोमोसोम जो फॉर्म हो गए, इसका डायमीटर है 2 μ. अभी यहाँ पे 2 μ डायमीटर, आप लोगों ने इसकी साइज देखी. अभी यहाँ पे इच लूप इज इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल. अभी यहाँ से कुछ पार्शियल आरएनएज डाइजेशन हो गए, यहाँ पे कुछ पार्शियल डीएनएज डाइजेशन हो गए. अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम. अभी पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे कुछ लूप फॉर्म होने के बाद कुछ सुपर कॉइल्ड सब तैयार हो गए, सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम्स तैयार हो गए. और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ निक डीएनए है, और जो निक डीएनए है वहाँ पे कुछ भी आपको हेलिकली और सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, इज कॉल्ड एज पार्शियली अनकॉइल्ड क्रोमोसोम. देन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आरएनए क्लीव्ड हो गए,
तो इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शली अनफोल्डेड क्रोमोजोम। देन अभी यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे कुछ लूप फॉर्म हो गए, तो लूप फॉर्म होने के बाद यहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करेंगे, और वो दो एंजाइम्स का काम है, जैसे कि आप यहाँ पे येलो दिख रहे हो, ये है डीएनए गायरेज, और यहाँ पे ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब ब्लू कलर दिख रहा है आप लोगों को, ये है टोपोसोमरेज, ये दो यहाँ पे काम करें। देन जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, अभी ये हो गया सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अभी आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो इस डायग्राम में, ये हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। देन अभी आप लोगों ने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी जो पिछले सेम में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, व्हाट इज़ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, ये क्या है, ये मैंने खुद आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कैसे फॉर्म हो गया, यहाँ पे प्रोटीन्स कैसे फॉर्म हो गए, यहाँ पे प्रोटीन भी दिख रहा है आप लोगों को, ये प्रोटीन का डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अभी न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज profoundly influenced by the DNA binding protein called nucleoid associated protein is मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है NAPS. NAPS binds non-specially across bacterial genomes, wrapping, bending or bridging the DNA. The local action of NAP ultimately influences global chromosome organization and in many cases transcriptional patterns. E. coli HNS is a small protein that can dimerize and can bridge DNA, bringing loci close physical proximity. Okay, तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर HU protein है, then SMC protein है, FIS protein भी है, IHF protein भी है, और HNS protein भी है। ये सब का basic हमने पहले ही पढ़ा है जब हम लोगों ने introduction देखा। Then इसके बाद है पार बी इन क्रोमोजोम कंडेंसेशन, पार बी डीएनए इंटरैक्शन, यहाँ पे एक क्रोमोजोम, बी सेलुलर लोकलाइजेशन, देन ओरिजिन रीजन दिया है। अभी यहाँ पे पार बी बाइंड्स विथ ए साइट पार एस ऑन द डीएनए लोकलाइज नियर ओरी सी। अभी यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि व्हाट इज ओरी सी, द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेटिंग साइट। देन इन बी सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ पार बी विद द हेल्प ऑफ जी एफ पी फ्यूजन प्रोटीन, देन ओरिजिन रीजन एम्प्लीफाइड द व्यू टू शो पार बी डी एन ए इंटरैक्शन। देन रोल ऑफ एच यू प्रोटीन इन क्रोमोजोम कंडेंसेशन, प्रोकैरियोटिक सेल कॉन्टेन ए सेट ऑफ प्रोटीन दैट बाइंड डी एन ए एंड आर एसोसिएटेड विद द न्यूक्लोइड। Among these protein, HU has been characterized as the most important protein for structural organization of the bacterial chromosome. For example, the lack of HU in the Hub A and Hub B mutant result in the decondensed nucleide and the unnucleate cells. In E. coli, HU exists predominantly as 20K Dalton heterodimer composed of two subunits. HU alpha and HU beta encoded by the Hub A and Hub B gene. While HU was initially characterized as a bacterial equivalent of histone, more recent studies have revealed that the main role of HU in a number of cellular processes is that of a DNA architectural protein that bends DNA in a non-sequence specific manner. Thus, HU appears to be more similar in function to the HMG protein eukaryotics that it is to histones. How does HU interact with the DNA? The structure of anabina HU in a co-crystal with DNA revealed that the conserved proline of the HU intercalate between the bases of DNA from the minor group to induce the pronounced kinks in the double helix.
देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर जीनोम। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बोला था वहाँ पे कि जैसे कि मतलब इन विब्रियो कॉलेरा में एक से क्या रहेंगे, ज़्यादा क्रोमोसोम्स रहेंगे। अभी लीनियर क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है, उसके टिप पे क्या है, टिलोमेयर प्रेजेंट है, ठीक है। अभी नॉर्मली देयर इज़ वन क्रोमोसोम इन मोस्ट बैक्टीरिया, हाउ वेयर इन सम फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरा, पैराकोकस, देन रोडोबैक्टर, एग्रोबैक्टेरियम, इन सब में क्या है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं टू क्रोमोसोम्स। अभी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियंस इसमें क्या है, टू क्रोमोसोम, वन इज सर्कुलर एंड वन इज लीनियर। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। देन रिपीटेटिव एक्स्ट्राजेनिक पैलिंड्रोम्स एंड द क्रोमोसोम पैकेजिंग। अब व्हाट इज पैलिंड्रोम्स, ये आपका पहले ही 12th स्टैंडर्ड में और BSc में बोलो मतलब यहाँ पे पहले आप लोगों का पैलिंड्रोम्स के बारे में बेसिक हो चुका होगा, तो अभी इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो अभी यहाँ पे देखो, रिपीटेटिव एक्स्ट्राजेनिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फर्स्ट डिस्क्राइब इन एंटेरोबैक्टीरियस एंड द लेटर इन सुडोमोनास पुटिटा आर वेरी कॉमन इन जीनोम्स ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया वेरियंट ऑफ 30 to 50 बेस पेयर्स ऑफ REP सीक्वेंस हैव बीन डिटेक्टेड इन वेरियस स्ट्रेंस। देर आर 300 to 100 कॉपीज ऑफ दिस एलिमेंट इन अ जीनोम दैट फर्दर इंक्रीज DNA कंडेंसेशन। तो ये हो गया हम लोगों का पैलिंड्रोम। अगर आप लोगों को पैलिंड्रोम समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे आप लोग आपके कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। अभी ये हो गया हम लोगों का बैक्टीरियल क्रोमोसोम। थैंक यू।